हेलो दोस्तों, 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की गई है। तो देखिए, इनके अलावा नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले 57 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है। इस बार के नए मंत्रिमंडल में किन किन मंत्रियों को शामिल किया गया है और किन किन मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अभी मंत्रियों के बीच में मंत्रालय का बंटवारा नहीं किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस बार के नए मंत्रिमंडल में पहली बार किन किन मंत्रियों को शामिल किया गया है। नित्यानंद राय, दूसरी बार सांसद बने नित्यानंद राय, 3 साल पहले बिहार भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए। प्रहलाद जोशी, धारवाड़ से लगातार 4थी बार सांसद बने और कर्नाटक के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। जी किशन रेड्डी, तेलंगाना भाजपा के युवा अध्यक्ष, सिकंदराबाद से पहली बार लोकसभा चुनाव जीते। राव साहब दानवे, महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष दानवे पहली बार सांसद चुने गए हैं। सुरेश अंगड़ी, कर्नाटक की बेलगावी सीट से लगातार 3री बार सांसद चुने गए। सोम प्रकाश, पहली बार पंजाब के होशियारपुर से सांसद बने। उन्हें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री विजय सांपला का टिकट काटकर होशियारपुर से उम्मीदवार बनाया गया। रमेश्वर तेली, असम के डिब्रूगढ़ से लगातार 2री बार भाजपा के सांसद बने। देवाश्री चौधरी, पहली बार सांसद बनी, पश्चिम बंगाल भाजपा की महासचिव हैं। कैलाश चौधरी, राजस्थान में बाड़मेर से लगातार 2री बार सांसद। संजय धोत्रे, महाराष्ट्र के अकोला से लगातार 3री बार भाजपा सांसद बने। रमेश पोखरियाल निशंक, हरिद्वार से भाजपा के टिकट पर जीते और 2009 में उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनाए गए। सुब्रत पाठक, पहली बार भाजपा सांसद बने। अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे और हमीरपुर से 2008 से लगातार सांसद अनुराग ठाकुर भाजपा से युवा नेता हैं। केपी रविंद्रन, अन्ना डीएमके के एकमात्र सांसद। देखिए, इस बार के मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों के मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी से, हरसिमरत कौर बादल अकाली दल से, अरविंद सावंत शिवसेना से और रामदास अठावले आरपीआई से। तो देखिए, इस बार के मंत्रिमंडल में शामिल महिला मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी, रेणुका सिन्हा, हरसिमरत कौर बादल और मुस्लिम मंत्री हैं मुख्तियार अब्बास नकवी। और देखिए, इस बार की मंत्रिमंडल में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मेनका गांधी और राजवर्धन सिंह राठौर को शामिल नहीं किया गया है। यदि हम राज्यों की बात करें तो कर्नाटक से 2, ओडिशा से 2, पश्चिम बंगाल से 2, केरल, असम, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना से 1-1 को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं 24 कैबिनेट मंत्रियों की जिन्होंने की शपथ ग्रहण की है। राजनाथ सिंह, तो देखिए इनका लोकसभा क्षेत्र है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अमित शाह, गांधीनगर गुजरात। नितिन गडकरी, नागपुर महाराष्ट्र। डीवी सदानंद गौड़ा, बेंगलुरु उत्तर कर्नाटक। निर्मला सीतारमन, तो देखिए ये राज्यसभा की सदस्य हैं। रामविलास पासवान, तो देखिए इन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ाए थे लेकिन फिर भी इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर, मुरैना मध्य प्रदेश। रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब बिहार। हरसिमरत कौर बादल, बठिंडा पंजाब। थावरचंद गहलोत, राज्यसभा सदस्य। एस जयशंकर, पूर्व विदेश सचिव। रमेश पोखरियाल निशंक, हरिद्वार उत्तराखंड। अर्जुन मुंडा, खूंटी झारखंड। स्मृति ईरानी, अमेठी उत्तर प्रदेश। हर्षवर्धन, चांदनी चौक दिल्ली। प्रकाश जावेडकर, तो देखिए ये राज्यसभा के सदस्य हैं। पीयूष गोयल, राज्यसभा सदस्य। धर्मेंद्र प्रधान, राज्यसभा सदस्य। मुख्तियार अब्बास नकवी, राज्यसभा सदस्य। प्रहलाद जोशी, धारवाड़ कर्नाटक। महेंद्रनाथ पांडे, चंदौली उत्तर प्रदेश। अरविंद सावंत,
मुंबई, दक्षिण महाराष्ट्र, गिरिराज सिंह बेगूसराय बिहार, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर राजस्थान। देखिए 9 राज्यों मंत्रियों ने स्वतंत्र प्रभार पर शपथ ग्रहण की है, और मैं आपको बता दूं कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर नियुक्त कैबिनेट मंत्रियों को रिपोर्ट नहीं करते हैं। और इन 9 राज्य मंत्रियों के नाम हैं संतोष गंगवार बरेली उत्तर प्रदेश, राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव हरियाणा, श्रीपद नाइक उत्तर गोवा गोवा, जितेंद्र सिंह उधरपुर जम्मू कश्मीर, किरेन रिजिजू अरुणाचल पश्चिम, प्रहलाद पटेल दमोह मध्य प्रदेश, आर के सिंह आरा बिहार, हरदीप पुरी राज्यसभा सदस्य, मनसुख मांडविया राज्यसभा सदस्य। तो देखिए इसके अलावा 24 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है, और राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों को रिपोर्ट करते हैं। और ये 24 राज्य मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला मध्य प्रदेश, अश्विनी चौबे बक्सर बिहार, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर राजस्थान, वीके सिंह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, कृष्ण पाल गुजर फरीदाबाद हरियाणा, राव साहिब दानवे जालना महाराष्ट्र, जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद तेलंगाना, पुरुषोत्तम रूपाला, तो देखिए ये राज्यसभा के सदस्य हैं, रामदास अठावले राज्यसभा सदस्य, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर उत्तर प्रदेश, बाबुल सुप्रिया आसनसोल बंगाल, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, संजय धोत्रे अकोला महाराष्ट्र, अनुराग ठाकुर हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, सुरेश अंगड़ी बेलगांव कर्नाटक, नित्यानंद राय उजियारपुर बिहार, रतनलाल कटारिया अंबाला हरियाणा, वी मुरलीधरन राज्यसभा सदस्य, रेणुका सिंह सरुता सरगुजा छत्तीसगढ़, सोम प्रकाश होशियारपुर पंजाब, रमेश्वर तेली डिब्रूगढ़ असम, प्रताप चंद्र सारंगी बालासोर उड़ीसा, कैलाश चौधरी बाड़मेर राजस्थान, देवश्री चौधरी रायगंज बंगाल। देखिए ये थी पूरी जानकारी 2019 मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के बारे में, और अभी तक इन मंत्रियों में विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको किस किस मंत्री को कौन कौन सा विभाग दिया गया है इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।